आइए देखते हैं कि लेंस होता क्या है। लेंसों का उपयोग कैमरे में होता है, चश्मों में भी लेंसों का ही प्रयोग किया जाता है। यह गोलीय लेंस हैं, चाहे तो अवतल या फिर उत्तल। सूक्ष्मदर्शी भी एक लेंस है, यहां तक कि अब चश्मों के विकल्प के रूप में कॉन्टैक्ट लेंसेस का भी उपयोग किया जाता है, और ये कॉन्टैक्ट लेंसेस लेंसेस अर्थात ये गोलीय लेंस भी उपयोग होते हैं। आधुनिक बंदूकों में भी दूर निशाना लगाने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे उपयोग जो हमने लेंसों के देखे, ये बतलाते हैं कि लेंस हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। आइए अब सीखते हैं कि लेंस होते कितने प्रकार के हैं। एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। इसके अलावा भी लेंसों के प्रकार हैं, पर ये दो मुख्य लेंस हैं दोस्तों। उत्तल लेंस कुछ ऐसा दिखता है और अवतल लेंस ऐसा। इन दोनों लेंसों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, और वो दृष्टिकोण ये है कि अगर हम उत्तल लेंस लें तो उत्तल लेंस को दो अलग-अलग लेंसों के योग के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात अगर मैं इसे बीच से बांटना चाहूं तो बीच से हम इसे तोड़ देते हैं। तो ये उत्तल लेंस दो अलग अलग लेंसों का एक संयोग होगा। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक उत्तल लेंस बनता है, और उसी तरह अवतल लेंस को भी जब हम बीच से काट देंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। जी, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो वक्र पार्ट है, ये जो वक्र वक्र भाग है इस लेंस का, इसकी अपनी एक त्रिज्या होगी और इस वक्र भाग की भी अपनी एक त्रिज्या होगी। हम आगे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आइए अब उत्तल लेंस को समझने की कोशिश करते हैं। इस लकीर पर बने दो बिंदु C1 और C2 ये बतला रहे हैं कि ये C1 इस वक्र भाग का केंद्र है, वक्रता केंद्र जिसे हम कहते थे, वक्रता केंद्र है, और ये C2 इस भाग का वक्रता केंद्र है। इन दोनों C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यह जो बिंदु जो लेंस के बीच में मैंने बनाया है, जिसे उसे मैं यहां दिखा रहा हूं, इसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यह जो दो बिंदु और जो इस O और C1 एवं O और C2 के बीच में बने, ये F1 और F2 फोकस दूरी बतलाते हैं, और यहां पर O F1 इज इक्वल टू O C1 बटे 2। ऐसा ही हमने मिरर के केस में भी देखा था दोस्तों, दर्पणों के केस में भी हमने ऐसा ही देखा था। आइए देखते हैं कि ये उत्तल लेंस करते क्या है। एक प्रयोग के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। यह एक सूक्ष्मदर्शी है दोस्तों, ये जो यहाँ पे बना है, और इस पे प्रकाश की किरणें, सूर्य प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, इसीलिए वो लगभग समानांतर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो बहुत ही दूर से आ रही हैं। तो ये सूक्ष्मदर्शी उस समानांतर प्रकाश की किरणों को अपने फोकस पे, फोकस की ओर मोड़ देता है, और बहुत सारी किरणें जब एक ही बिंदु पे आएंगी तो उनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी दोस्तों, और जिस ऊर्जा के कारण उस नीचे रखे एक कागज के टुकड़े पर आग लग जाती है, जैसा कि यहां भी दिखाया जा रहा है कि समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें फोकस पे केंद्रित हो गई। अब सीखते हैं कि उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। इस चित्र में एक उत्तल लेंस दिखाया गया है दोस्तों, जिसकी वक्रता केंद्र, फोकस दूरी एवं प्रकाशिक केंद्र, ये सारी चीजें चिन्हित हैं। आइए देखते हैं कि हम लेंसों में चिन्ह परिपाटी कैसे समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दर्पणों के संदर्भ में भी बताया था कि पहले हम मानते हैं कि प्रकाश किस दिशा से आ रही है, तो यहां मैंने माना है कि प्रकाश जो है वो इस दिशा से, और जिस दिशा में मैंने इस तीर के निशान को बनाया है, प्रकाश उस दिशा से इस लेंस के ऊपर आ रही है। तब उसी तरीके से जैसे हमने दर्पणों में चिन्ह परिपाटी लगाई थी, यहां लगाएंगे। इस फोकस दूरी को हम लोग F से दिखा रहे हैं, एवं इस फोकस दूरी को हम लोग -F से दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इस फोकस दूरी को नापने के लिए हम जब O से शुरू करेंगे, हर दूरी केंद्र से नापी जाती है, पोल से नापी जाती है हर दूरी दोस्तों। तो ये जो प्रकाशिक केंद्र है, जिसे हम पोल कह रहे हैं,
जब हम यहां से F1 पे आने की कोशिश करेंगे तो हमें प्रकाश के विपरीत दिशा में चलना होगा। तो जब भी कोई दूरी प्रकाश की चाल के विपरीत दिशा में नापी जाती है तो उसे हम निगेटिव साइन से दिखाते हैं। जबकि अगर हमें इस फोकस दूरी को OF2 जो फोकस दूरी है इसको लिखना होगा, तो जब हम उसे चलना शुरू करेंगे F2 तक, तब हम उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में प्रकाश भी गमन कर रही है। तो इस फोकस दूरी को कैपिटल एफ से, माफ करिएगा कैपिटल एफ नहीं, धनात्मक एफ अर्थात पॉजिटिव एफ से हम दिखा रहे हैं। यहां पर दोस्तों मैंने दोनों फोकस दूरी को, दोनों अर्थात इस फोकस दूरी को और इस फोकस दूरी का द्रव्यमान एफ ही लिया है। अर्थात मैं यह मान रहा हूं कि जब मैं इस लेंस को बीच से काटूंगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, तो इन दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान ही हैं। अर्थात ये दोनों लेंस एक दूसरे के समरूप हैं जिनको मिला करके हमने यह उत्तल लेंस बनाया है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जब दो अलग अलग लेंसों को मिलाया गया तो उनकी वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग हों। वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग होने से क्या होगा, दोनों की फोकस दूरी भी अलग अलग हो जाएगी। जैसा कि इधर का अगर ये F2 है तो इधर का जो दूरी है, इधर की जो दूरी मिलेगी हमें, वो हमें मिलेगी अलग, जिसको स्मॉल F2 से मैं दिखा रहा हूँ, और इस वाले भाग का जो फोकस दूरी है वो हमें मिलेगा F1 जो कि F2 से अलग है। तो इस केस में दोस्तों यहाँ पर F1 नॉट इक्वल टू F2 अर्थात F1 F2 के बराबर नहीं है। पर हमें इस तरह के केस के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हम अभी चर्चा करेंगे वैसे ही लेंसों के बारे में जिसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हों। आइए अब एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं उत्तल लेंस के जरिए। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि वस्तु इसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, यहां पर, जिसे मैं ए बी से दिखा रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी, पर हमें बस दो प्रकाश की किरणों की जरूरत है, एक जो इसके समानांतर जाए, मैं दूसरा रंग यूज कर लेता हूं, एक जो इसके समानांतर जाए, और हम जानते हैं कि हर समानांतर प्रकाश की किरण हमेशा उसके फोकस से होके जाती है दोस्तों, तो ये फोकस की ओर मुड़ गई। तो ये पहली किरण जो समानांतर जा रही थी वो फोकस की ओर मुड़ गई, और दूसरी किरण को मैं यहाँ लाल रंग से दिखाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी किरण हम दोस्तों इसके प्रकाशिक केंद्र से होके गुजारेंगे। तो जो भी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वो सीधी सरल रेखा में गमन करती रहती है। तो इस तरह से ये दोनों किरणें यहां पर मिलेंगी, जिससे हम प्रतिबिंब के निर्माण की जगह के रूप में देख सकते हैं। तो ये ए डैश और ये बी डैश। तो जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, पर वास्तविक बना है। जब कब, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो ये चीजें याद रखनी है कि हमें बस दो किरणें लेनी है, एक जो उसके पोल से होके जाए, प्रकाशिक केंद्र से होके जाए, जो सीधी निकल जाएगी, और दूसरा समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से गुजरने के बाद फोकस की ओर मुड़ जाती है। आइए एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। इस बार मैं वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखता हूं, अर्थात यहां, इसका नाम हम ए बी देते हैं। तो जैसा कि हमें पता है इन बहुत सारी प्रकाश की किरणों से हमें बस दो प्रकाश की किरणें चाहिए, और वो एक प्रकाश की किरण जो समानांतर जाए, समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण हमेशा उसके फोकस से होती हुई गुजरेगी, और दूसरी प्रकाश की किरण जिसे मैं फिर से लाल रंग से दिखा रहा हूं, जो कि उसके प्रकाशिक केंद्र अर्थात पोल से होकर गुजरेगी, पर सीधी जाएगी। तो ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों कि ये दोनों रेखाएं, ये दोनों किरणें आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो दर्पणों में भी हम ऐसा किया करते थे, दोनों किरणों को विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ाइए, आगे की ओर बढ़ाने के बाद आपको पता चलेगा कि दोनों कटती हुई प्रतीत हो रही हैं, और जहां दोनों का कटान बिंदु है वहां पे आप, माफ करिएगा मेरे चित्र बनाने की कला मुझ में थोड़ी कम है, तो जहां पे दोनों का कटान बिंदु है वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब काल्पनिक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये वास्तविक किरणों के कटने से नहीं बना, वास्तविक किरणों के मिलने से नहीं बना है, ये हम आभासी रूप से किरणों को मिला रहे हैं। पर ये प्रतिबिंब सीधा है, और ये प्रतिबिंब आपको कब दिखेगा, ये प्रतिबिंब आपको तब दिखेगा जब आप यहां पर अपना आंख रखें।
और यहां से देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि इस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे रहा है। तो सूक्ष्मदर्शियों में ऐसा ही किया जाता है, वस्तु को, जो छोटी वस्तुएं होती हैं, उन्हें पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है ताकि उनका एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे। इसीलिए तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, अर्थात सूक्ष्मदर्शी, छोटी से छोटी वस्तुओं को देखने वाला यंत्र। तो दूसरी तरफ से, जब सूक्ष्मदर्शी की दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो वो वस्तु हमें इनलार्ज दिखाई देती है, अपने साइज से बहुत बड़ी दिखाई देती है। आइए मैं आपको जल्दी से अवगत करा देता हूं बाकी के वस्तु व प्रतिबिंब स्थितियों से। यहां केस ए में जब अनंत से आती हुई समानांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर पड़ रही हैं तो फोकस पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है जो कि बिंदु आकार का है। दूसरे केस बी में जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और उसके वक्रता केंद्र के, दूसरे वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तीसरा केस है दोस्तों, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे ही रखते हैं, C1 पे ही रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र, दूसरे वक्रता केंद्र अर्थात C2 पे बनता है। तीसरा केस जो है दोस्तों, उसमें वस्तु को हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है जिसका प्रतिबिंब दूसरे वक्रता केंद्र के परे बन रहा है। पांचवा केस दोस्तों, जिसमें फोकस पे रखते हैं जब हम वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं कटेंगी, आप उसको दोनों तरफ बढ़ा लें पर वो कभी कटती हुई प्रतीत नहीं होगी। तो फोकस पे रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है और अनंत से आती हुई किरणों का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। और आखिरी और छठा जो केस है दोस्तों, जिसमें जब हम फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही आभासी बनता है जो कि सीधा और उससे बड़ा होता है। अब देखते हैं कि उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण सारणी। तो यहां पर जैसे जब अनंत पे वस्तु होती है तो फोकस पर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है जो कि बहुत ही छोटा बिंदु आकार का होता है, जैसा कि हमने सबसे पहले वाले प्रयोग में देखा था जिसमें कागज में आग लग जाती है जब समानांतर प्रकाश की किरणें एक उत्तल लेंस पे आती है। तो जब 2F से परे अर्थात वक्रता केंद्र से परे रखते हैं तो F2 और 2F2 के बीच में बनता है प्रकाश, छोटा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। इसी तरह आगे भी आप इसे समझ सकते हैं। आप खुद से प्रयत्न करिए। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण एक ऐसी कला है जो आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना अच्छा आप बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो मैं यहां पर एक वस्तु लेता हूं जो उसके वक्रता केंद्र से परे है, अर्थात C1 से परे है। तो मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि इसे बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, पर हमें बस दो किरणों की जरूरत है। एक किरण जो इसके समानांतर जाए, और समानांतर जाने के बाद ये फोकस की ओर मुड़ना चाहेगी, पर दोस्तों इसमें ये फोकस की ओर मुड़ना तो चाहेगी पर इस लेंस का आकार ऐसा है कि ये नीचे की ओर नहीं बल्कि ये ऊपर की ओर मुड़ेगी। पर मैं बार बार कहता हूं कि ये फोकस की ओर मुड़ना चाहती है, तो ये फोकस की ओर ही है, पर देखना ऐसा पड़ेगा आपको कि जब इस उल्टी दिशा में मुड़ी हुई किरण को जब आप पीछे की ओर ट्रेस करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये इस फोकस से होती हुई नजर आती है। तो वो चाहती है फोकस से ही गुजरना, पर इस अवतल लेंस का आकार ऐसा है कि वो उल्टी दिशा में चली जाती है, जिसे आप जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो फोकस से वो कहीं गुजरेगी। और दूसरी किरण जिसे मैं फिर से यहाँ लाल रंग से दिखाता हूं, वो हमेशा हम पोल अर्थात प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारेंगे, और जब ये गुजरेगी तो ऐसा बनेगा। तो ये जो कटान बिंदु है दोस्तों, इस कटान बिंदु पे हमें क्या मिल रहा है, हमें प्रतिबिंब मिलेगा इस कटान बिंदु पे। अगर ये ए और बी है, ए और बी है, तो ये ए डैश और बी डैश, जो कि एक छोटा वस्तु की आकृति से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा व सीधा है प्रतिबिंब, और ये एक आभासी प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि ये दो वास्तविक किरणों के कटने से नहीं बना है बल्कि एक आभासी और एक वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से होकर बना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, और इस बार मैं इन दोनों के बीच में रखता हूं, इन दोनों के बीच में अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में वस्तु को रखता हूं ए बी। तो जब आप दो किरणें लेंगे, एक समानांतर जो कि चाहेगी कि फोकस से होकर गुजरे, पर इसकी आकृति, इसके शेप के कारण, इसके आकार के कारण वो उल्टी दिशा में जाएगी, पर जब आप इसको बैक ट्रेस करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये फोकस से होकर ही गुजरती है। और दूसरी किरण हमेशा कहां से लेनी है दोस्तों, पोल से लेनी, प्रकाशीय केंद्र से लेनी।
ऐसा हम दर्पणों में भी करते आए हैं। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो इन दोनों के कटान बिंदु पर बनेगा, जिसे हम ए डैश और बी डैश कह रहे हैं। और फिर से जो वस्तु है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है, वो वस्तु के आकार से छोटा है, सीधा है और आभासी प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दूसरी किरण जो है वो काल्पनिक किरण है, पीछे की ओर हमने बढ़ाया है उसको, वहां किरण नहीं आ रही, वास्तविक किरण वहां नहीं आ रही, तो ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण बस दो तरीके से हुआ दोस्तों। एक, जो समानांतर अनंत से जो समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही थी उनके द्वारा फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, बिंदु आकार का जो प्रतिबिंब बना। और दूसरा जो केस बना दोस्तों, जहां पर हम कहीं भी लेंस के सामने किसी भी जगह पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उसी ओर बनता है, पर वो आभासी होता है और छोटा होता है वस्तु से। तो आप प्रयत्न करिए अलग अलग जगहों पर रखने की, आपको बार बार प्रतिबिंब वस्तु से छोटा व आभासी ही मिलेगा। तो अवतल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण सारणी कुछ ऐसी है दोस्तों। जब आप अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर ही बनता है, पर अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार का छोटा। और ये सबके लिए है दोस्तों, देखिए अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में रखने पर। और यहाँ दो ही चीजें दिखाई गई हैं। क्यों? क्योंकि आप जब अनंत से बाहर कभी भी रखते हैं तो जो दूसरी किरण होती है वो हमेशा आभासी किरण को काटती है, ऐसा कि वो प्रतिबिंब फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में ही बने। तो ये खासियत है अवतल लेंस की। और हर केस में आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब ही आपको मिलेगा। अब खुद प्रयत्न करिए, आप समझ जाएंगे। आइए अब देखते हैं लेंस सूत्र क्या है। जैसे हमने दर्पणों में दर्पण सूत्र पढ़ा था, उसी तरह लेंस सूत्र भी हमें पढ़ना है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस पूरे अभ्यास का जो हम यहाँ कर रहे हैं। तो लेंस सूत्र कहता है 1/v - 1/u = 1/f। दर्पण सूत्र में ये माइनस जो ऋणात्मक चिन्ह जो है वो धनात्मक था, यहाँ पर लेंस सूत्र में यह ऋणात्मक है। तो 1/v - 1/u = 1/f, जहाँ v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है और f फोकस दूरी है। ये दूरी जब भी मैं कहता हूँ दोस्तों, तो दूरी कहाँ से? दूरी पोल से, प्रकाशिक केंद्र से। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र जो हम देखने वाले हैं वो है आवर्धन का। आवर्धन जिसे स्मॉल m से भी लिखते हैं, h डैश प्रतिबिंब की हाइट है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जबकि h वस्तु की ऊंचाई है। और आवर्धन v/u भी होता है दोस्तों, जहां v वस्तु की दूरी नहीं बल्कि प्रतिबिंब की दूरी है पोल से और u वस्तु की दूरी है पोल से। एक और सूत्र लेंस की क्षमता बताता है दोस्तों, जिसे हम कैपिटल P से दिखाते हैं, और ये बराबर होता है 1/f के, जहां f फोकस दूरी है उस लेंस की। आइए अब एक प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न कहता है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब अर्थात वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम कैसे इस प्रश्न को बना सकते हैं। प्रश्न में दिए गए जानकारी के अनुसार दोस्तों, प्रतिबिंब दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिसे मैंने -10 सेंटीमीटर लिखा है, और फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। ऋणात्मक चिन्ह मैं लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि यह एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस द्वारा सदैव ही आभासी सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा होता है, अर्थात जिस ओर वस्तु रखी होती है। तो अगर आप भूल गए हो तो एक बार मैं आपको फिर से यहां पर बनाकर दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये अवतल लेंस था, और अवतल लेंस में वस्तु अगर यहाँ है तो वस्तु का बिंब भी इसी दिशा में यहाँ पर बनता था। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि वो किरण के जाल के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी है पोल से। तो प्रतिबिंब की दूरी मैंने ऋणात्मक ली है, और फोकस दूरी, फोकस इस फोकस की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो ये फोकस दूरी भी ऋणात्मक है, जो कि 15 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें बिंब दूरी निकालनी है u। हमें पता है कि लेंस या फिर लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f होता है। इसे हम ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/u = 1/v - 1/f। जब हम ये सारी जो जानकारी हमने निकाली है इस प्रश्न से, v f इस सूत्र में डालेंगे, तो हमें 1/u = 1/-30 मिलेगा दोस्तों।
इससे हमें पता चलता है कि यू इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। यू भी एक माइनस 30 सेंटीमीटर है दोस्तों। यू ऋणात्मक आने का मतलब है कि यू भी लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट अर्थात बाई साइड में है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया था एक अवतल लेंस, तो वस्तु भी इधर ही थी और उसका बिंब भी इधर ही था, तो दोनों जो दूरियां हैं वो निगेटिव ही है, ऋणात्मक ही है। इस प्रकार बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है, जो कि प्रश्न ने पूछा था हमसे यहाँ पर कि अब बिंब दूरी ज्ञात करिए, तो बिंब की दूरी भी 30 सेंटीमीटर है। ये अब आवर्धन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो आवर्धन होता है m इक्वल टू v बाय u। जब हम v और u की जानकारी, v और u का मान उसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा m इक्वल टू 1/3, जो कि धनात्मक है, धनात्मक 0.33। यह 1/3 और धनात्मक चिन्ह यह बतला रहा है दोस्तों कि बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक है और सीधा है, और 1/3 का मतलब यह हुआ कि बनने वाले प्रतिबिंब का आकार, साइज, उसका साइज वस्तु के साइज का 1/3 है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया। आइए अब मैं एक आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं इस प्रश्न का, कि इस प्रश्न ने हमसे ये बोला था कि एक अवतल लेंस है जिसकी, इसने दिया था कि प्रतिबिंब की दूरी -10 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए ये भी है -10 सेंटीमीटर और फोकस इसका यहाँ था और यहाँ पे प्रतिबिंब बन रही थी, तो हमें वस्तु निकालना, वस्तु की दूरी निकालनी थी इसी पोल से, इसी ओ से। तो वस्तु हमें हमेशा पता होना चाहिए कि इधर ही होता, क्यों? क्योंकि ये हम एक अवतल लेंस ले रहे हैं, तो जिधर प्रतिबिंब बनता है उधर ही वस्तु भी बनती है। तो ये जो दूरी है वो दूरी 30 सेंटीमीटर हमने निकाल ली। ये दूरी दी हुई थी 10 सेंटीमीटर और ये जो फोकस दूरी है ये दूरी 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया दोस्तों। तो इसके साथ ही यह पूरा अभ्यास हमारा खत्म हुआ। एक फिर नए अभ्यास के साथ हम मिलेंगे नई कक्षा में। धन्यवाद।